तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं LG स्मार्ट टीवी, जिसका मॉडल नंबर है 32LM560BPTC। तो ये 2019 का नया मॉडल है। अभी 2020 में काफ़ी सक्सेस मॉडल चल रहा है। फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे ही आपको आराम से 14,000 की मिल जाएगी। मैंने ऑफलाइन खरीदी है इसलिए 17,000 रुपये की पड़ी है, लेकिन आप लोग ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आज हम लोग देखेंगे इस टीवी के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। और ये स्मार्ट टीवी है और एंड्रॉयड टीवी नहीं है, आप यो स्मार्ट टीवी मिलता है। इसमें आपको मिलता क्या है, आप लोग स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं इसमें। और ये 32 इंच की LG की स्मार्ट टीवी है ये रहा मॉडल। इसके साथ हमें एक मैजिक रिमोट मिलता है, जो कि काफ़ी ख़ास बात है, जो इस टीवी को ख़ास बनाती है। और उस स्मार्ट जो रिमोट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि है मैजिक रिमोट, उसमें आपको मिलता है एक कर्सर। जी हाँ, आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको एक कर्सर मिलता है माउस के साथ। और जो कि हम लोग आपको इसका रिव्यू भी एक छोटा सा देंगे। तो ये टीवी इस समय हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं कि हमें इसके साथ क्या क्या मिलता है। आप देख सकते हैं इसकी जो पावर सेविंग है, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए ये 2-स्टार पावर सेविंग टीवी है और मुझे लगता है इस प्राइस में काफ़ी अच्छी टीवी आती है। आप माइक्रोमैक्स MI के साथ जाने की जगह आप इस टीवी को ख़रीद सकते हैं। इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, जो कि इसकी MRP प्राइस जो है वो है 24,000 रुपये। लेकिन ठीक है सब, ये मैंने कानपुर में ख़रीदी है एक LG स्टोर से। तो आइए दिखाते हैं कि इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। अभी इस बॉक्स से हमने टीवी निकाल ली है, तो जब हम लोग बॉक्स खोलते हैं तो इसमें एक बाई कोड मिलता है, ये थर्माकोल। ये जो पैकेजिंग होती है ये हमें LED टीवी में मिलती है। इस समय जो हमारी टीवी है वो इंस्टॉल है, हम लोग उसको भी आपको रिव्यू दिखाएंगे। लेकिन हम लोग देख लेते हैं इसमें कैसे मिलती है। इसमें पैकिंग के अंदर ये सब थर्माकोल आता है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है पर टीवी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ जो हमें एक्सेसरीज मिलती है, हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। तो इसे हम लोग एक साइड में रख देते हैं। इसको एक साइड करने के बाद हम लोग इस एक्सेसरीज को देख लेते हैं। दिखाइए इस एक्सेसरीज में जो हमें मिलता है, सबसे पहले एक मैजिक रिमोट। ये टीवी मैं 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक शॉर्ट रिव्यू दिखा रहा हूँ। ये इसके साथ एक मैजिक रिमोट मिलता है। अभी हम लोग आपको इसकी वर्किंग भी दिखाएंगे, हो सका तो शायद अगला वीडियो हम लोग बनाए तो उसमें हम लोग आपको पूरा रिव्यू दिखाएंगे। इसके साथ जो हमें मिलता है, ये मैजिक रिमोट के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन है कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इससे एक्सेसरीज और क्या है। ये इसका कुछ मेन्यू टाइप का है, वारंटी कार्ड होगा, डेमो चेक होता है। इसके साथ हमें जो मिलते हैं, एक माउंट वॉल मिलता है जो कि मूवेबल होता है, वो भी हमें फ्री में मिलता है। और ये तो इसके साथ जो एक्सेसरीज के साथ स्टैंड आ रहा है वो है, इसमें 2 प्लास्टिक स्टैंड है। तो आपको मतलब LG जो है पैसा वसूल आपको दिलाएगी सब सामान। इसके साथ इनको माउंट करने के लिए ये 2 स्क्रू हैं, ये आप देख सकते हैं, ये माउंट वॉल के लिए आते हैं। इनके अलग से पेंच आते हैं, इन चीज़ों को लगाने के लिए अलग से पेंच दिए गए हैं। देखते हैं इसके अंदर और क्या है। तो पता नहीं मुझे वाले, हाँ ये रहे स्क्रू इसके। तो हमें उसे माउंट करने के लिए, इन स्टैंड को माउंट करने के लिए जो स्क्रू मिलते हैं वो हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं, ऐसी पैकेजिंग में मिलते हैं। मैंने इसे माउंट वॉल में किया है, इस वजह से वॉल पे मेरी टीवी लगी है, इस वजह से हमने इसको माउंट नहीं किया। तो ये हमें मिलता है स्टैंड। ये इसके साथ टीवी रिमोट की भी एक यूज़र गाइड मिल जाती है, जो कि हमें गाइड करने के काम आती है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है, जिसकी ज़रूरत नहीं। अगर आप स्मार्टफोन चला लेते तो आप आराम से इसको यूज़ कर लेंगे, और नहीं भी कर पाते हैं तो 1-2 महीने में आप ट्रेंड हो जाएंगे। बाकी तो फिर LG वाले हैं ही।
तो ये सब हो चुका है, और देख लेते हैं इसके साथ हमें क्या मिलता है। इसके साथ हमें एक हिंदी में यूज़र गाइड मिल रही है, देखिए एल जी का। तो ये तो हो गया हमारा जो इसके साथ मिलता है, और मैं आप लोगों को माइक्रोटेक के भी बारे में बताऊँगा। इसके साथ मैंने एक माइक्रोटेक का स्टेबलाइजर मंगाया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, जो इसी 32 इंच के एल जी स्मार्ट टी वी के लिए मैंने मंगाया है, ये तो एल जी। तो उसका भी मैं एक रिव्यू दूंगा, आप अनबॉक्सिंग चाहे तो मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ये रहा यूज़र गाइड। तो हमें इसके साथ 1 साल की वारंटी मिलती है, और अब हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं एक इस टी वी का रिव्यू। तो ये रही वो टी वी, एल जी की टी वी जो हमने इसे बॉक्स किया है, और आपको मैं दिखाता हूँ इस टी वी के बारे में। ये देखिए पावर सेविंग कंजप्शन 2 है, और एल जी का मॉडल है। इसके नीचे आपको ये यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये इसका सेंसर है। जब हम लोग इस टी वी को ऑन करते हैं यहीं पे पावर स्विच ऑन दिया गया है। इसके साथ हमें ये पावर केबल मिलती है, और ये मैंने माइक्रोटेक का स्टेबलाइजर इसी टी वी के लिए मंगाया है। ये काफ़ी स्मार्ट माइक्रोटेक है, इसके लिए काफ़ी सेफ्टी हो जाती है। पीछे साइड अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, पकड़िए जब फोन, तो देख सकते हैं ये मूवेबल जो स्टैंड है ये हमें इसके साथ मिला है। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसके साथ एक मूवेबल स्टैंड मिलता है। पीछे साइड आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे ये जो कनेक्टर्स हैं, इधर साइड हमें मिलती है एक यूएसबी एचडीएमआई केबल, 2 HDMI केबल सपोर्ट है, एक यूएसबी, और इसमें एक वीजीए केबल भी सपोर्ट है। ये देखिए, इसे आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लोग आपको ये टीवी चला के दिखाएंगे। अब हम लोग इस टीवी को ऑन करने जा रहे हैं, हमें बस एक ये दबाना है। इस माइक्रोटेक का भी मैं आपको रिव्यू दूंगा। तो हम लोग थोड़ा शैडो बढ़ाते हैं जिससे आपको उसकी क्वालिटी पता चले। तो अभी ये जो है टीवी इस समय प्रोसेस कर रही है। तो इसके साथ हमारा टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स लगा है, तो इसलिए थोड़ा देर उठा रहा है। जब पुराने सेटअप बॉक्स हो जाते हैं तो वो थोड़ी देर लगाते हैं लोड होने में। तो अभी ये लोड जब हो जाएगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, और मैं इसकी वर्किंग भी दिखाऊँगा रिमोट से। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये जो रिमोट है इस तरह काम करता है, आपको बस ऐसे ऐसे मूव करना है। ये ब्लूटूथ सपोर्ट है, आप कहीं भी करके हाथ इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए कर्सर चल रहा है, इधर साइड आपको सेटिंग दिखाई देता है। ये देखिए सेटिंग, इसमें आप ऑनलाइन कनेक्ट भी कर सकते हैं। अभी इसके साथ मेरा कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका दूसरा जो रिव्यू दूंगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि इसमें जो HD क्वालिटी है वो कैसे सपोर्ट करती है। इस समय ये HDMI केबल सपोर्ट कर रहा है, AV केबल से चल रहा है, इस वजह से इसकी क्वालिटी थोड़ी कम है। अगर आप HDMI से चलाएंगे तो काफ़ी अच्छी चलेगी। देखिए इसमें यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स ऐप प्री इंस्टॉल आते हैं, हॉटस्टार, G5, प्राइम वीडियो, गूगल प्ले, अल्टरनेट बालाजी, प्ले स्टोर, वूड ब्राउजर, ब्राउजर में आप कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं। और हमें आवाज़ कम कर देते हैं जिससे आपको हमारी पूरी आवाज़ आए। आप अभी इसको क्वालिटी को जज मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो मेरा सेटअप बॉक्स है वो HD सपोर्ट कर रहा है, और ये जो टीवी है वो है HD रेडी। तो इसकी जो क्वालिटी है वो ऑसम है, और हम लोग जब इसको HD चलाएंगे तब बताएंगे कि कैसी चलती है। जो कि मैं इसका सेकंड रिव्यू हो सका तो मैं लाऊंगा, वरना फिर इसी में आपको दिखा दूंगा। तो आप लोग हटिए मत, पूरा चैनल पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए इसमें YouTube भी है, LG कंटेंट है, और ये जो है ना ये अपने आप में खासियत है कि ये अपने आप, अगर आपको ये नेट से कनेक्ट है तो ये अपने आप अपडेट होता रहता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा अपडेट में टाइम स्लो लेता है। ये LG कंटेंट है, ये ईरोज़ नाउ, आपको इन सब के सब्सक्रिप्शन तो लेने ही पड़ेंगे। बाकी YouTube आप फ्री में चला सकते हैं, ब्राउज़र फ्री में चला सकते हैं, बाकी इन सब के आपको सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। और चलिए आपको हम लोग दिखाई देते हैं, इतनी आप लोग वो कर रहे हो तो हम लोग आपको दिखाई देते हैं कि इसमें HD कंटेंट कैसा चलता है, और उसके बाद हम लोग आपको इसको साउंड क्वालिटी दिखाएंगे। तो अब हम लोग इसको ऑनलाइन कनेक्ट करने जा रहे हैं। देखिए हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग क्या बताया जाए, कुछ बता ही नहीं सकते हम लोग, दुख होता है ये सब देख के। तो अब हम लोग इसको ऑनलाइन कनेक्ट करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आप पास में दिखाएंगे।
तो अब हम लोग इसको ऑनलाइन कनेक्ट करने जा रहे हैं वाईफाई से। देखिए ऊपर मेरा ऑनलाइन कनेक्ट हो चुका है, हम लोग वापस आएंगे। अब हम लोग इसमें आपको यूट्यूब चला के दिखाएंगे। अब ये एबी पे चल रहा है, पहले हम लोग जो यूट्यूब पे चल रहा है तो उसे हटा देते हैं। बहुत इजी है इसको यूज़ करना। अगर आप लोग के कमेंट आए कि हमें आपको यूज़ नहीं करना आ रहा है तो मैं उस पर भी एक वीडियो लाऊंगा। अभी ये अपडेट मांग रहे हैं लेकिन हम लोग आपको वीडियो दिखाएं इसलिए इसको लॉन्च कर देते हैं। तो अब हम लोग जो इसमें देखने वाले हैं वो है यूट्यूब। तो हम लोग और थोड़ी क्वालिटी बढ़ाने के लिए और शेडो बढ़ाएंगे। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। तो ये मेरा चैनल है जो कि इसमें पहले से ही लगा है। तो अब देखिए हम लोग आपको इसमें गाना एक सुना के दिखाएंगे लेकिन हम लोग ज़्यादा देर गाना नहीं सुना पाएंगे। ये देखिए इसमें यूट्यूब आराम से चल रहा है, इसमें आप ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। म्यूज़िक में हम लोग आपको चला के दिखाना चाहेंगे लेकिन जो है ना म्यूज़िक चलाने में क्या होता है कॉपीराइट आ जाता है ये टी सीरीज की तरफ से, इसलिए हम लोग कुछ ऐसा गाना चलाएंगे कि कॉपीराइट ना आए या अलगार सुना देंगे आप लोगों को। कैरी मिनाइटी के जो भी फैन है इसको लाइक करें इस वीडियो को। ये अभी इस पर ऐड चल रहा है, थोड़ा आप दूर ले लीजिए। तो हम लोग इसकी ऐड कर देते हैं, ये इस पे यालगार का वीडियो चल रहा है, हम लोग आवाज बढ़ा देते हैं। तो कैसे हैं आप? एक कहानी है जो सब को सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी चलानी है। एक कहानी है जो सब को सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से तो मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। हम लोग कोई दूसरा गाना चलाएंगे। आजकल टी सीरीज लॉकडाउन के समय में इतने पुराने गाने सुनाएगी तो क्या होगा हम लोगों का। आइए ये अलग गाना देखते हैं। इसकी जो क्वालिटी इतनी अमेजिंग है कि आप क्या बोल सकते हैं। मैं आपको इसका एक रात में भी रिव्यू दूंगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इस समय थोड़ा शेडो पड़ रहा है खिड़की की तरफ से लेकिन आप देख सकते हैं क्वालिटी आप मैच कीजिए। इसकी क्वालिटी भी भयंकर है, आपको फोन में तब भी नहीं इतना अच्छा लग रहा होगा डिस्प्ले पे लेकिन जब आप ऑफलाइन देखते हैं तब बहुत बढ़िया है। अब आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कितनी भयंकर क्वालिटी है। लेकिन हाँ इसमें एक और चीज़ है, इसमें जो है तो इसका जो कहते हैं डिस्प्ले, तो वो डिस्प्ले मुझे याद नहीं है मैं उसको क्या कहते हैं। तो बाद में हम लोग इसका जो रात को रिव्यू देंगे तब आपको बताएंगे कि इसकी क्या क्वालिटी है। लेकिन आपको मुझे लगता है कि पसंद आया होगा काफ़ी वीडियो, हमने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है। एक हफ्ते मैंने ये टीवी को चलाया, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं किया है, पैसा वसूल टीवी है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो देखिए ऑनलाइन में लेने के लिए ही सजेस्ट करता हूँ लेकिन जब आप कोई बड़ी अप्लाइंसेस लेते हैं और ऑनलाइन जब आप जाके लेते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि वो क्या हमें दे रहा है और आप क्या थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आप लोग थक जाते हैं। और इसमें देखिए ये भी है कि आप जब भी आप इस टीवी को ख़रीद के लाएंगे तो आप खुद चेक कर सकते हैं, दुकानदार से चेक करा सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन आता है तो उसमें एक कंडीशन पेल दी जाती है कि हमारा जो डिलीवरी मैन आएगा वही उस टीवी को खोल के इंस्टॉल करेगा वरना उसकी वारंटी नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा अगर आप कानपुर में तो आप जाके अश्विनी एलजी स्टोर से ले सकते हैं जो कि यहीं फजलगंज चौराहे पे है और काफ़ी अच्छी शॉप है। अगर आप देखिए ये मैंने कैंटीन से निकलवाया तब जाके मुझे 17,000 की पड़ी है, मुझे नहीं पता कि इसकी क्या कॉस्ट है। ऑनलाइन तो 14,000 भी दिखा रहे हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, आप उससे भी ले सकते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। और
ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने कैंटीन से जब लिया उसके यहाँ से तब ये मुझे 17,000 की पड़ी, लेकिन अगर आप लोग ऑफलाइन लेते हैं, बिना कैंटीन से लेते हैं, बिना सीएसडी कार्ड से लेते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपको ये कितने की पड़ेगी। देखिए दुकानदार बैठा है तो कुछ कमाने के लिए बैठा है, उसे आप बिजली का बिल भी देना है, किराया भी देना है, सब चीज़ देना है, तो वो इन्हीं सब चीज़ों से निकालेगा। और जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो डायरेक्ट सेलर से लेते हैं, उन्हें कुछ दुकान भी नहीं, उनका तो खुद का गोडाउन है, इसलिए वो आपको इतने कम रेट पे दे पा रहे हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऑफलाइन लें, लेकिन अगर आप पैसे की वैसे हैं और ऑनलाइन ज़्यादा परचेस करते हैं तो आपको मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे दिखा दूंगा क्या आप कैसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और मैं आपको इसका पक्का एक सेकेंड रिव्यू दूंगा जो कि रात का होगा, और उस पर काफ़ी भयंकर गाने भी मैं चलाऊंगा, चाहे मेरे वीडियो पर कॉपीराइट आ जाए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कैरी मिनाटी जो मैंने यादगार चलाया है उनके भी फैंस मुझे सब्सक्राइब करें, नहीं करना तो मत करें, लाइक जरूर करें, डिसलाइक मत करिएगा, बस डिसलाइक कर देंगे तो दिल टूट जाएगा, फिर हम लोग ऐसे वीडियो भी नहीं बना पाएंगे। तो थैंक यू, अब हम लोग आज के लिए यही वीडियो रखते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो।